देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे कितने ही कानून बनाए गए हों, लेकिन सच तो ये है कि आज भी राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने महिला सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को पिछले हफ्ते ये जानकारी दी। संसद में रखे गए ये आंकड़े हर उस शख्स को कटघरे में खड़े करते हैं जो महिला सुरक्षा के दावे ठोकता था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में जो आंकड़े पेश किए वो साल 2019 से साल 2021 के बीच के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्य ऐसे हैं जहां से महिलाएं और लड़कियां सबसे ज्यादा संख्या में लापता हुई। इन राज्यों में सबसे पहले पायदान पर आता है महाराष्ट्र, जहां 2019 से 2021 के बीच 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां गायब हुई हैं। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जहां 3 सालों में 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुई। वहीं मध्य प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब हुई। ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हुईं। छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं और 10,187 लड़कियां गायब हुईं। अब आपको बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी कि सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा कदम उठाए हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लागू किया। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषी को सजाए मौत देने समेत कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा पर हमेशा प्रश्न चिन्ह ही लगा रहता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेनेट टाइम्स।